हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो दोनों का सेम सिलेबस है आपका। तो यहाँ पे देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग पिन डायग्राम को देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 8 बिट का होता है और 40 पिन होता है। याद रखिए, कितना बिट का होता है? 8 बिट का होता है और पिन कितना होता है? 40 पिन होता है। आपको ऑब्जेक्टिव का फेमस कितना क्वेश्चन है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। 8085 इज ए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, नॉन ऑफ दीज, इस तरह से रहेगा। तो 8085 क्या है? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। और कितना पिन होता है? तो 40 पिन होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका पिन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो 40 पिनों का आपका डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे पिन नंबर 1 है आपका X1, पिन नंबर 2 है X2, पिन नंबर 3 है रिसेट आउट, पिन नंबर 4 है SOD, पिन नंबर 5 है SID, पिन नंबर 6 है ट्रैप, पिन नंबर 7 है RST 7.5, पिन नंबर 8 है RST 6.5, पिन नंबर 9 है RST 5.5, पिन नंबर 10 है INTR, पिन नंबर 11 है INTR, INTA पे बार, पिन नंबर 12 है AD0, पिन नंबर 13 है AD1, पिन नंबर 14 है AD2, पिन नंबर 15 है AD3, पिन नंबर 16 है AD4, पिन नंबर 17 है AD5, पिन नंबर 18 है AD6, पिन नंबर 19 है AD7, पिन नंबर 20 है VSS। उसी तरह पिन नंबर 21 है A8, पिन नंबर 22 है A9, पिन नंबर 23 है A10, पिन नंबर 24 है A11, पिन नंबर 25 है A12, पिन नंबर 26 है A13, पिन नंबर 27 है A14, पिन नंबर 28 है A15, पिन नंबर 29 है S0, पिन नंबर 30 है ALE, पिन नंबर 31 है WR पे बार, पिन नंबर 32 है आपका RD बार, पिन नंबर 33 है S1, पिन नंबर 34 है I0/M बार, पिन नंबर 35 है रेडी, पिन नंबर 36 है रीसेट इन बार, पिन नंबर 37 है क्लॉक आउट, पिन नंबर 38 है HLDA, पिन नंबर 39 है HOLD होल्ड, और पिन नंबर 40 है VCC। ये आपका 40 पिन है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। अब देखिए, जो अंदर की तरफ एरो है वो आपका इनपुट पिन है और जो बाहर की तरफ एरो है, सपोज कीजिए ये आपका अगर पिन डायग्राम दिखाए हैं, तो जो अंदर की तरफ है वो आपका इनपुट पिन है। क्या है? इनपुट पिन है। और जो बाहर की तरफ है वो आपका क्या है? आउटपुट पिन है। तो यहाँ पे देखिए, हम ये भी क्लियर कर दिए हैं जो कौन सा इनपुट पिन है और कौन सा आउटपुट पिन है। तो जो अंदर की तरफ है वो आपका इनपुट पिन होगा और जो बाहर की तरफ है वो आपका आउटपुट पिन है। तो देखिए, X1 और X2, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 आपका क्या है? इनपुट पिन है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, X1 और X2 को हम लोग एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका पिन नंबर 3 रीसेट आउट। हम लोग क्या करते हैं, इसको रीसेट करने के लिए करते हैं। रीसेट आउट क्या है? आपका आउटपुट पिन है। फिर है आपका पिन नंबर 4 है SOD। SOD का फुल फॉर्म हो गया सीरियल आउटपुट डाटा। SOD क्या है? सीरियल आउटपुट डाटा। ये आपका क्या है? आपका आउटपुट पिन है, जो कि सीरियली डाटा को क्या करता है? वो सेंड करता है। सीरियली डाटा जो है बाहर आता है, तो ये आपका आउटपुट पिन है। फिर है आपका पिन नंबर 5 SID, सीरियल इनपुट डाटा। क्या है? सीरियल इनपुट डाटा, ये आपका इनपुट पिन है। पिन नंबर 5 सीरियल इनपुट डाटा। हम लोग डाटा को क्या करते हैं? सीरियली देते हैं, सीरियली इनपुट करते हैं। नेक्स्ट फिर है आपका पिन नंबर 6 ट्रैप। तो ट्रैप क्या है? ये आपका इंटरप्ट है। क्या है? इंटरप्ट है, इंटरप्ट। इसका प्रियोरिटी क्या होता है? तो
हाई प्रियोरिटी होता है, हाई प्रियोरिटी। और ये जो है आपका ट्रैप जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। कौन सा है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो आपको इससे तीन क्वेश्चन बनता है। आपको पूछेगा ट्रैप क्या है, तो ट्रैप आपका क्या है? इंटरप्ट है, इंटरप्ट है। और इसका ट्रैप का प्रियोरिटी क्या होता है? तो ट्रैप का प्रियोरिटी हाई होता है, और ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ये तीनों तरह से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैप आपका क्या है? इंटरप्ट है। ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, ये क्या है आपका? इंटरप्ट सिग्नल है। क्या है? इंटरप्ट सिग्नल। देखिए इंटरप्ट सिग्नल में कौन कौन हो जाएगा? इंटरप्ट सिग्नल में ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। ये आपका क्या है? इंटरप्ट सिग्नल है। आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, आपको पूछेगा व्हाट आर द इंटरप्ट्स ऑफ इंटेल 8085। तो आपको इसको लिखना है। पूछेगा प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ट्रैप का होता है। इसका हाई प्रायोरिटी होता है, हाई प्रायोरिटी। सबसे लो प्रायोरिटी किसका होता था? INTR का। इसका प्रायोरिटी क्या होता है? लो प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। इसको हम लोग ट्रैप को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसको सबसे कम। ये आपका ऑब्जेक्टिव का VBI क्वेश्चन है। और ये आपका सब क्या है? इंटरप्ट है। तो आपका RST 7.5 पिन नंबर 7 है, RST 6.5 पिन नंबर 8 है, RST 5.5 पिन नंबर 9 है, INTR आपका पिन नंबर 10 है। INTR का फुल फॉर्म इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये सब आपका ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, ये सब आपका क्या है? इनपुट पिन है। क्या है? इनपुट पिन है। फिर है आपका पिन नंबर 11, INTA बार। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरप्ट एक्नॉलेज। INTA बार का फुल फॉर्म क्या हो गया? INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज, इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल है आपका। तो INTR क्या है? आपका आउटपुट पिन है। आउटपुट पिन है, ये कब काम करेगा? जब आपका लो रहेगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है, जीरो रहेगा तो जीरो का बार क्या होगा? वन होगा, तो आपको काम करेगा। तो ये जब ये लो रहेगा तो काम करेगा, जहां जहां आपका बार लगा हुआ है मीन्स वो लो रहेगा तो काम करेगा। तो ये आपका INTA क्या है? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, जो आपका आउटपुट पिन है। फिर है आपका AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7। ये आपका क्या है? AD0 to AD7। ये आपका AD0 से AD7, ये आपका बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया? ये इनपुट पिन और आउटपुट पिन दोनों की तरह काम करता है। देखिए दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है, मींस इनपुट और आउटपुट पिन दोनों की तरह काम करता है। बाई डायरेक्शनल, मल्टीप्लेक्स बाई डायरेक्शनल। ए मींस एड्रेस, एड्रेस स्लैश डाटा बस। AD का प्रॉब्लम क्या हो गया? एड्रेस स्लैश डाटा बस, ये आपका बाई डायरेक्शनल पिन है। AD0 to AD7, AD0 to AD7 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपका पिन नंबर 12 से पिन नंबर 19 तक, ये आपका एड्रेस स्लैश डाटा बस है, जो कि आपका बाई डायरेक्शनल है। दोनों आपका इनपुट और आउटपुट दोनों पिन की तरह काम करता है। पिन नंबर 20 आपका VSS है, VSS जो है पिन नंबर 20 VSS, ये आपका ग्राउंड रिफरेंस है, ग्राउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं, ग्राउंड रिफरेंस। VSS को हम लोग ग्राउंड की तरफ यूज करते हैं, जो कि पिन नंबर 20 है। याद रखिए सबका सिक्वेंस। पिन नंबर 28 आपका AD8 है, पिन नंबर 29 AD9 है। देखिए A8 से A15 तक ये आपका एड्रेस बस है, A means एड्रेस, ये आपका एड्रेस बस है। AD0 to AD7 आपका एड्रेस लेस डाटा बस, दोनों है बाई डायरेक्शनल है। A8 से A15 ये आपका एड्रेस बस है, ये भी आपका 8 पिन है।
एट से 15, तो देखिए यहाँ पे 21 से लेके 28, पिन नंबर 28 तक ये आपका एड्रेस बस है, ये आपका एड्रेस बस है, एड्रेस बस, ठीक है। फिर आपका है एस नॉट और S1, पिन नंबर 29। एस नॉट मीन्स स्टेटस सिग्नल है ये, एस मीन्स स्टेटस, एस नॉट और S1, पिन नंबर 29 और पिन नंबर 31, 29 एंड 33, एस नॉट और S1, ये आपका स्टेटस सिग्नल है। क्या है? स्टेटस सिग्नल है। चलिए पिन नंबर 30 ALE, ये आपका कौन सा पिन है? आउटपुट पिन है, एस नॉट और S1 भी आपका आउटपुट पिन है। फिर आपका ALE क्या है? ये आपका आउटपुट पिन है, एड्रेस लैच इनेबल। इसको मिटाते हैं, ALE का फुल फॉर्म, ALE आपका आउटपुट पिन है, एड्रेस लैच इनेबल। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALE, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो एड्रेस लैच इनेबल। और ये आउटपुट पिन है या इनपुट पिन है, तो ALE क्या आपका आउटपुट पिन है। फिर है आपका पिन नंबर 31, WR बार, डब्ल्यू आर मीन्स राइट। पिन नंबर 31 जो है आपका राइट है, ये कब राइट करेगा? जब ये लो रहेगा, क्योंकि बार लगा हुआ है, तो जब लो रहेगा, जीरो रहेगा तो वो बार लगेगा तो वन हो जाएगा, तो जब ये लो रहेगा तो आपका राइट काम करेगा। पिन नंबर 32 क्या है आपका? RD, RD बार क्या है? रीड। जब ये लो रहेगा तो क्या करेगा? ये रीड करेगा डाटा को रीड करेगा और ये डाटा को राइट करेगा। फिर S1 हो गया। पिन नंबर 34 IO/MBAR, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी। देखिए जब ये हाई रहेगा तो इनपुट आउटपुट की तरह काम करेगा, जब लो रहेगा मीन्स जीरो रहेगा, तो देखिए मेमोरी में बार लगा हुआ है, तो जीरो रहेगा तो बार कर देगा तो वन हो जाएगा, तो ये मेमोरी की तरह काम करेगा। जीरो रहेगा तो इनपुट आउटपुट की तरह काम करेगा, वन रहेगा तो मेमोरी की तरह काम करेगा। पिन नंबर 35 ये आपका रेडी पिन है, ये दिखाता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर अब रेडी है आप वहां पे ये ट्रांसमिट करने के लिए, या आप इनपुट डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए ये अब रेडी है। पिन नंबर 35। पिन नंबर 36 है रीसेट इन, मींस आपको रीसेट करना है, फिर से जीरो पे सेट करना है। प्रोग्राम काउंटर को सेट करने के लिए हम रीसेट इन का यूज करते हैं, तो जब ये जीरो रहेगा, लो रहेगा तो ये काम करेगा, क्योंकि बार लगा हुआ है। ये पिन नंबर 36 है, ये भी आपका इनपुट पिन है, रेडी भी आपका इनपुट पिन है, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार ये आपका आउटपुट पिन है, स्लैश बाहर की तरफ है तो आउटपुट पिन, अंदर की तरफ है तो इनपुट पिन। फिर आपका पिन नंबर 37 है क्लॉक आउट, ये हम लोग क्लॉक यूज करते हैं, 3 MHz 5 MHz जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्लॉक आउट है, ये आपका आउटपुट पिन है। फिर आपका पिन नंबर 38 है HLDA, क्या है आपका? आउटपुट पिन है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। देखिए जब जो है आपको होल्ड सिग्नल आता है, होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के बाद आता है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? फिर एक सिग्नल को सेंड करता है। पहले आपका होल्ड सिग्नल आएगा जो होल्ड करने के लिए, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? एक सिग्नल सेंड करता है जो कि HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को वो सेंड करता है। तो ये आपका होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है जो कि आउटपुट पिन है, ये आपको सेंड करता है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। और होल्ड सिग्नल क्या है? होल्ड आपको जो पेरिफेरल डिवाइस है या कोई, वो आपको माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। तो आपका ये होल्ड पिन नंबर 39 है जो कि इनपुट पिन है, और पिन नंबर 40 आपका VCC जो कि पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई हम लोग देते हैं प्लस 5 वोल्ट हम लोग पावर सप्लाई VCC देते हैं। ये आपका इनपुट पिन है जो कि +5 वोल्ट सप्लाई देते हैं पिन नंबर 40 से। और पिन नंबर 20 आपका VSS ग्राउंड रेफरेंस है, हम लोग ग्राउंड के लिए यूज करते हैं पिन नंबर 20 को, और पिन नंबर 40 को हम लोग पावर सप्लाई के लिए +5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका 400 पिन का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो आप जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहां पे जैसे कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का जब एग्जाम देंगे
आप देखेंगे या और भी जैसे इसरो है, किसी किसी एग्जाम में आपको क्या होगा, पूछ देगा जो 8085 में पिन नंबर 10 का क्या काम है या पिन नंबर 10 कौन सा है, तो आपको याद रहेगा तब आप बता पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो कौन पिन नंबर किसका है और क्या फंक्शन है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।